तो गाइस आज आप देख रहे होगे कि हम एक अलग जगह पर आए हैं, तो मैं आपको पहले जगह दिखाता हूँ, एक पूरी जगह दिखा दो। तो गाइस आज हम आए हैं दिल्ली के बेस्ट, मतलब कि बेस्ट कार शोरूम के अंदर, मतलब वीडियो बनाने। आज हम यहाँ पर रहने वाले हैं यार पूरे 24 घंटे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कुछ अजीब अजीब लग रहा है, ये लोग अभी घबराए हुए हैं। क्या आप अभी भी घबराए हुए हो? नहीं, अब मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? तो जब घर से निकले थे घबराए हुए थे? यस गाइस, ये लोग थोड़े से घबराए हुए थे। तो पुनीत आपको क्या लग रहा है कि क्या हम ये चैलेंज कर पाएंगे? मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है यार, मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यू नो होम स्वीट होम। गाइस फर्स्ट टाइम है हम घर से बाहर निकल के कहीं पे 24 घंटे रहने वाले हैं यार, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स बैठे हैं, यहाँ स्टाफ है और सब हमें देख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है बॉस। पब्लिक के अंदर, गाइस पब्लिक के अंदर वीडियो बनाने में एक कुछ अलग ही मज़ा आता है, थोड़ा सा हिचकिचाहट तो लगती है, लेकिन गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। तो तुम लोगों का क्या प्लान है यहाँ पर, मतलब क्या करने वाले हो? मज़ा करने वाले हो। रह पाओगे पूरे 24 घंटे यहाँ पर सबके सामने? सब लोग हमें देखते रहेंगे, हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ आधे सामने जाओ, भागो। इनको मैंने बड़ी मुश्किल से रोका, रुक जाओ, इनको मैंने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है, ये पूरा यहाँ पर अंजर पंजर करने वाले हैं और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर पता नहीं कैसे चलो करेंगे चैलेंज। तो अभी इनको मैं छोड़ने वाला हूँ, 1 2 3 गो। गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त शोरूम बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा एक्सेसरीज़ का एरिया है और यहाँ पर पूरा डिस्प्ले है कार्स का, और यहाँ पर हम पूरा वेटिंग लाउंज है, एक बहुत ही सुंदर कैफ़े भी है। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा जुगाड़ कर लिया है। तो पुनीत हम यहाँ पर कैफ़े के अंदर पूरा अपना लंच वंच सब ऑर्डर करने वाले हैं, डिनर लंच तो हम करके आए हैं बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी 24 आवर्स के अंदर यार हमारा ब्रंच ही रहता है 1-1.5 बजे, अभी करीब करीब 1:30 बज गया है, तो हम ब्रंच करके आए हैं। अब हम यहाँ पर इंजॉय करने वाले हैं, पूरा शोरूम देखने वाले हैं, हर एरिया को आपको दिखाने वाले हैं, एक्टिविटीज़ तो यहाँ करने के लिए बहुत है, हम भी थक जाने हैं बट कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। और हम यहाँ पे अपना खाना वाना सब बाहर से ऑर्डर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कौन बना के देगा? ये बातें बताई नहीं जाती। आज हमारी ब्लू टोकरी घर रह गई है, हमारी कोई टोकरी नहीं आई है। और गाइस यहाँ पर हैं हमारे कैशियर साहब, यहाँ पर कैशियर हैं, यहाँ पे सब गाड़ियाँ जितनी भी बिकती हैं सब कैश यहीं पे आ जाए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। तो आओ मैं आपको पहले तो क्या करें, पहले इनको शोरूम दिखाते हैं, सारा शोरूम देखते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा यार, आ जाओ। यार इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, ये लोग बहुत ज़्यादा, पुनीत ये नुकसान ना कर दें और पता चल रहा है लेने के देने पड़ जाए। ये मुझे कह रहे हैं इसमें से हम कौन सी कार लेकर जा रहे हैं। कार तो यार क्या ही लेनी है यार, बट कार भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ये यहाँ पर पूरा गैलरी है, पूरा बैक ऑफिस है, मैं वहाँ पे और यहाँ पर सब मालिक लोग बैठते हैं। डायरेक्टर रूम, ये देखो ये ऐसे बैठ गए आके कि जैसे यहाँ पे रोज आते हैं। ओ भाई साहब तो आगे चले, ये गाइस कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ सीरियस काम होता है बॉस, हल्के में मत लो। गाइस हम यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं और ये एक ब्यूटीफुल सी डॉल हमको मिलने आई है यहाँ पे स्पेशली, और ये आप हमसे स्पेशली मिलने आए हो, कैसा आपको अच्छा लग रहा है? यू आर लाइकिंग इट? आप यहाँ पे कौन सी कार लेने आए हो? ये हमसे मिलने आई है, थैंक यू सो मच, एंजॉय करो प्ले करो, ओके। A few moments later. Guys, ये तो थकते नहीं हैं, हम लोग तो थक के बैठ गए हैं, इन्होंने पूरा तूफान मचाया हुआ है यहाँ पर। क्या भैया क्या कर रहा है, क्या पूरा टाइम कैसे पास हुआ? देखो बच्चों का तो मुझे पता नहीं, मेरा कैसे होगा मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये तो सब खेल रहे हैं, बट यहाँ करूँ कि क्या मैं?
हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन मजा आ रहा है यार, यहाँ पे देख के ना कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, शूट में देख रहे हैं कि यार ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर आज। लेकिन इट्स गुड फन, गुड फन, वेरी गुड फन। लेटर दैट सेम इवनिंग, ये देखो बस हमने कैमरा ऑन किया, ये फटाफट भाग के आगे। तो थके, चलो कुछ तो थोड़ा थोड़ा थक रहे हैं आप। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुमको सबसे अच्छी कौन सी कलर की गाड़ी लगी है यहाँ पे? रेड। तेरे को? मेरे को सिल्वर। तेरे को सियान? रेड। मेरे को भी रेड बहुत सुंदर लगी है। तेरे को भाई साहब? व्हाइट। इतने व्हाइट कपड़े मैंने, इसलिए व्हाइट बोल रही है। मेरा दिल साफ है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तेरा मतलब हमारा दिल लाल है? अपना अपना चेक करो, मेरा साफ है, मुझे इतना पता है। गाइस ये इतना थक गए हैं अभी, इतना भाग भाग के, शाम हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, शाम हो गई है पूरी यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर पूरी शाम हो गई है और दिन अभी अभी दिन ख़त्म होने वाला है। ये देखो अभी शीशे में हाथ देने लगी थी, ऑटोमेटिक शीशा। मज़ा आ रहा है? यस। और उधर देखो हमारे पीछे आ गए हैं हमारे भाई साहब, आ जाओ, ऑटोमेटिक है ये, खुल गया। तो गाइज अब हमारा शाम का स्नैक्स आ रहा है यार, बहुत भूख लग रही है। हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा पनीर पकौड़ा मंगाया कि अगर अच्छा लगा तो कुछ और वैरायटी मंगाएंगे। पनीर ही खाना है या और कुछ मंगाएं? अभी तो यही ठीक है क्योंकि लंच बहुत हैवी हो रखा है। लंच हमने बहुत हैवी है, घर से खा के निकले। चलो पनीर पकौड़ा ट्राई तो करो। अजय सियान थोड़ा सा, और एज यूजुअल लो जी मेरी चाय आ रही है। चाय पीनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है। भैया चाय पिलवा दो प्लीज, थैंक यू। तो गाइस फाइनली हमारा ये शाम का चाय का सेशन भी हो चुका है और पकौड़े भी हमने खा लिए हैं, तो अब सेट हो गए हैं। अब कुछ टाइम पास। मैंने इसको बोला है कि इतना बड़ा शोरूम है कहीं भी बैठ जा, इसको यहीं क्यों बैठना है मेरे ये पास? प्यार करती है तुम्हारे से, प्यार करती है, तो इसकी गोदी में आ जा अनान्या, गोदी में आ जा। भाई गोदी वाली उम्र तुम्हारी निकल गई। तो गाइस अब हम बहुत एनर्जी है हमारे अंदर, तो इससे पहले कि हमारा डिनर टाइम हो जाए, जो कि डिनर टाइम बहुत जल्दी होने वाला है, हम थोड़ा सा ये पूरा शोरूम खाली हो गया है, तो पूरा शोरूम के अंदर हम इधर उधर भागने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं और पकड़न पकड़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी का तो फायदा है, बड़े शोरूम का, बड़ी जगह का हम एंजॉय कर रहे हैं। तो 3, 2 नहीं इस बार मैं नहीं दूंगा, इस बार मैं नहीं दूंगा, इस बार अनान्या अनान्या देगी। 1, 2 रुक जा। तो तुम दोनों चेन बना लो, तुम दोनों आउट हो गए। तो गाइस इनसे चेन में तो इनसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो अब हम इनको अलाउ कर रहे हैं। तुम दोनों अलग अलग डेन दे रहे हो और तुम दोनों ने अलग अलग पकड़ना है। अब चालू है, अब स्टार्ट है। ठीक है गाइस, इसका हार्ट टच हो गया मेरे को, तो अब मैं भी डेन दे रहा हूँ। तू भी पकड़ी गई, तो ये पकड़ो इसको वहां। मैं आउट हो गया। Oh, थक गए, आओ लेटे सोफे पे अपने आ जाओ। तो गाइस अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया माइंड, अब हम लेट्स हैव डिनर। डिनर का मूड बन गया? चलो गाइस अब हम डिनर ऑर्डर कर रहे हैं। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमने यहाँ पर आके 24 आवर चैलेंज तो किया ही है, इसके साथ साथ एक और मजेदार चीज करी है जो बताएंगे रमी। यार मुझे तो बहुत मजा आया, हमने ना हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स के लिए हाइड एंड सीक इन कार शोरूम चैलेंज किया है, बहुत ही मज़ा आया। ये चैलेंज एक या दो दिन में हमारे व्लॉग्स चैनल पे आ जाएगा, आप उसको देख लेना, बहुत इन्जॉयमेंट है, बहुत मज़ा किया। यहाँ पूरा दिन खाली थे तो हमने सोचा यार कोई एक और चैलेंज कर लेते हैं, चैलेंज के अंदर चैलेंज,
कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। अब गोरा कौन ज्यादा है वो आपने बताना है, ये वाला चैलेंज या वो वाला चैलेंज, कौन सा गोरा है। तो अब हमारा डिनर टाइम हो रहा है, हम जल्दी से डिनर मंगा लेते हैं और शुरू करते हैं। तो और ये आ गया हमारा डिनर, तो आ गया हमारा डिनर। हम ऐसे क्विक ताली बजा के डिनर आ जाते हैं हमारा। ये देखो घर पे ट्राई करना जो पड़ेगी हमारा क्विक था ताली गर्मा गर्म। हाँ आप बोलो, आपकी बर्थडे है यार, आप बोलो यार, मेरे बीच में मेरे को कोई बोलने ही नहीं देता है यार। हाँ तुम बोलो, ये लो माइक मुंह में डाल लो इसको। हमने क्विक ताली बजाई और हमारे सामने थाली आ गई। सही पकड़े हैं। ये तो रैमिंग हो गया यार। ये ले और बोले, थोड़ा और बोले। जल्दी जल्दी शुरू करो। Let's try. गाइस इसका ट्राई होता है डेढ़ नान खा के। ये डेढ़ नान खा लेती है उसके बाद बताती है कि खाना अच्छा था कि नहीं था, या उसको भूख थी कि नहीं थी। तो गाइस डिनर हो गया है और उधर मैडम बैठी हैं और अब पूरा पूरी रात हो चुकी है, करीब करीब 10:30-11 बज गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आओ बाहर का सीन दिखाएं इनको। तो गाइस पूरा शोरूम खाली है, पूरा ये हमारे बच्चे भाग रहे हैं इधर, और यहाँ पे पूरी बाहर रात हो चुकी है, पूरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, थोड़ा ट्रैफिक अभी भी है, सब लोग अभी घर नहीं गए हैं। और अब हमारा टाइम हो रहा है अंदर जाके सोने का। आजा शनाया सोए, आ जा। अब हम गाइस सोने का, ये अबे निकल आओ गाड़ी से, चलो नहीं सोएंगे। गाड़ी में सोओगे? ये क्या बात है, सोफे कम है, सिर्फ 4 सोफे हैं। तो कौन एक बंदा कौन गाड़ी में सो रहा है? मैं, तू? मैं, हम दोनों सो रहे हैं, कुछ नहीं होता, एक एक्स्ट्रा खुला ही किया। दोनों गाड़ी में सो रहे हो? हाँ वो बेटर वही होता है ना। सो जाओ भाई, ठीक है। The next day. Guys, मैंने अलार्म लगाया था। 9:30 हो गए, 10:00 शोरूम खुल जाएगा। तो गाइस सुबह हो गई है और थोड़ा थोड़ा रोड्स पे ट्रैफिक भी आ रहा है और अब मैं इनको उठाने जा रहा हूँ। पुनीत 9:30 हो गए हैं, 10:00 शोरूम खुल जाएगा, सब आ जाएंगे। गाइस मैं शनाया, उठ जा यार शनाया, शनाया उठ जा। ये बड़ा यार ये उठने में टाइम लगाएंगे। गाइस मैं इनको उठाता हूँ। बच्चों को देखो ना, कार में कहाँ है वो? हाँ तू उठा यार, मेरे काबू नहीं आ रहे। तो गाइस इनको तो हम उठाते हैं, हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि 10 बजे शोरूम खुल जाएगा, स्टाफ आ जाएगा। तो हमें उनसे पहले निकलना है क्योंकि सारा यहाँ का सफाई सफाई होनी होगी। तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हिट लाइक कर देना। हम बहुत खुश हैं, हमने ये चैलेंज कंप्लीट किया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया है करने में, बहुत मजा। एंड या इट वाज वेरी नाइस। जल्दी चलते हैं, वी हैव टू गेट रेडी, जाके नहाए धोएंगे, तैयार होएंगे फिर से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। फाइनली पॉप इट चॉकलेट चैलेंज कर दिया, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 फूडी पे। बार बार करेंगे, अंत तक करेंगे जब तक और करते रहेंगे। क्लिक 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 क्लि